आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। प्रातः स्मरणीय लोक माता देवी अहिल्या बाई होलकर की 225वीं पुण्यतिथि पर कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सारे आयोजन सादगी पूर्ण तरीके से संपन्न हुए। इसी के अंतर्गत हर वर्ष बड़ा आयोजन करने वाले क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना संगठन द्वारा इस वर्ष देवी अहिल्या प्रतिमा राजवाड़ा पर सीमित सदस्यों के साथ माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया गया। इस दौरान इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल ने देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि आज देवी अहिल्या बाई होलकर के पुण्य स्मरण दिवस पर संपूर्ण विश्व के लिए पूजनीय देवी अहिल्या बाई होलकर द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चंद्रकांत कुंजीर चंदू भैया ने कहा कि देवी अहिल्या बाई होलकर हमेशा सत्य के मार्ग पर चली है और उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। देवी अहिल्या बाई होलकर अनुशासन प्रिय थी और इसीलिए आज हमने भी कोरोना संक्रमण और गाइडलाइन का पालन करते हुए अनुशासित तरीके से सीमित सदस्यों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ माल्यार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया। इस दौरान मुख्य रूप से विनय बाकलीवाल, चंद्रकांत कुंजीर, ललित पोरवाल, अनिल यादव, पुखराज राठौड़ उपस्थित थे। आज हमारे इंदौर शहर की और विश्व की प्रदेश के गौरव माँ अहिल्या माता जी की आज पुण्यतिथि। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय कमलनाथ जी की ओर से यहाँ आज पुष्प अर्पित करने आया था भाई चंदू कुंजीर अनिल यादव के सबके साथ में। माँ अहिल्या माता ने जो हमें एक राह बताई थी इंदौर शहर को और पूरे मध्य प्रदेश को और पूरे देश को कि राह पे चलने के लिए हम आज संकल्प हैं। हमने आज संकल्प लिया है कि जो माँ अहिल्या ने अपने बताया वो मार्ग पर हमें चलने का पूरा प्रयास करें। हमारी माँ अहिल्या की 225वीं पुण्यतिथि है। हम क्षत्रिय मराठा नवनिर्माण सेना, शहर कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से माँ अहिल्या की चरणों में नमन करने आए। जिस तरीके से माँ अहिल्या ने पूरे विश्व के अंदर तीर्थ स्थान और घाट बनाए थे, उसको आज पूरा विश्व, पूरा भारत देश उस घाट पर आगे स्नान और वो करते आता है। अहिल्या बाई हमेशा सत्य के राह पर चलिए। अहिल्या बाई ने हमेशा अपने जीवन के अंदर सत्य के अलावा कुछ नहीं किया और अहिल्या बाई ने जिस तरीके से कार्य किए उसी कार्यों को करने के लिए हम सभी लोग यहाँ उत्साहित हैं। हम लोगों ने इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए बिल्कुल शार्ट और स्वीट के अंदर सिर्फ माल्यार्पण किया है। तो हर बार हम अहिल्या प्रतिमा बड़ा प्रोग्राम करते, इस बार हमने सिर्फ माल्यार्पण किया है। साथ ही विनय बाकलीवाल जी हमारे शहर अध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर।